जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मेहंदी लगाकर बैठी रही लड़की, बॉयफ्रेंड नहीं आया तो लगाई फांसी। पिता बोले 8 साल से था अफेयर, वह उसके प्यार में पागल थी। शिवपुरी शहर के फिजिकल इलाके में युवती ने शुक्रवार को फांसी लगा ली। बेटी की मौत के लिए पिता ने उसके बॉयफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया है। भागकर शादी करने के लिए युवती ने एक दिन पहले रात में मेहंदी रचा ली थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने मना करते हुए 2 दिन बाद चलने को कहा। युवती ने फांसी तब लगाई जब उसके माता पिता घर से बाहर गए हुए थे। वह अपनी 2 बहनों के साथ घर पर थी। संजय कॉलोनी की रहने वाली 22 साल की रेणु राठौर के पिता रामस्वरूप राठौर ने बताया, कपिल नाम के लड़के से बेटी का 8 साल से अफेयर था। इसके बारे में दोनों के परिवारों को भी जानकारी थी। हमने बेटी को कई बार कपिल से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन वह उसके प्यार में पागल थी। कहती थी शादी करूंगी तो कपिल से ही करूंगी। पिता ने बताया, जब हमने समझाया तो उसने साफ कह दिया था कि वह शादी करेगी तो सिर्फ कपिल से ही करेगी। उसकी जिद के आगे हार कर हम उसकी बात मान गए। मैंने कपिल के पिता और भाई से उनके रिश्ते के बारे में बात की। जात पात के कारण वे इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यदि हमारी बेटी ब्याह कर उनके घर आएगी तो या तो वे उसे मार देंगे या फिर अपने बेटे की जान ले लेंगे। वे समाज की बेड़ियों में इस कदर बंधे हुए हैं कि किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहते थे। रचाई थी कपिल के नाम की मेहंदी। पिता ने बताया, कपिल और रेणु ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था। दोनों शुक्रवार को शादी करने वाले थे, इसलिए बेटी ने गुरुवार की रात ही हाथों में मेहंदी रचा ली थी। उसे मेहंदी लगाते हुए देखा और फिर जाकर सो गया। शुक्रवार को कपिल बेटी को लेने नहीं आया। वह उसे 1-2 दिन में भागकर शादी करने की बात कहकर टाल रहा था। बेटी ने माँ को बताया तो उसने भी कहा कि 1-2 दिन कह रहा है तो तब चले जाना। कपिल से शादी के इंतजार में बैठी बेटी इस बात से इतनी आहत हुई है कि उसने घर में बनी दुकान में फांसी लगाकर जान दे दी।